पीरियड्स पर लीव होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, काफी टाइम से ये विवादों में है और अभी तक ऐसा कोई रूल भी नहीं है। तो मेरे साथ यूथ है जो कॉलेज जाते हैं, सीधा हम जानेंगे स्टूडेंट से कि उनकी क्या राय है, पीरियड्स पर लीव होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, कहाँ पढ़ती हैं, क्या नाम है और आपको क्या लगता है कि पीरियड्स पर लीव होनी चाहिए या नहीं? हाय, दिस इज खुशी फ्रॉम लेडी ओबिन कॉलेज एंड आई एम अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट। मुझे नहीं लगता ऐसी लीव होनी चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली इतनी केपेबल है इतना सब कुछ बियर करने के, हमारे हॉर्मोन्स नेचुरली ऐसे सेक्रेट होते हैं कि हम उतना बियर कर पाते हैं। तो आई डोंट थिंक लीव जरूरी है, ऐसा नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि इनको नई नीड लगती ही, ऐसी ही कल स्मृति रानी जी ने भी, क्योंकि दोनों सदनों पे ये क्वेश्चन उठा है कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि एक इक्वालिटी की बात आ जाती है तो कोई जरूरत नहीं है और हम लोगों को पीरियड्स हो रहे, वी आर नॉट हैंडीकैप। तो आप कैसे देख रहे हो इस चीज को? लाइक पीरियड्स बहुत पहले से होते आ रहे, ऐसे तो है ही कि बिल्कुल कुछ न्यू है हमारे लिए। एंड जब हमारी मदर्स, हमारे ग्रैंड मदर्स वर्क कर सकती है घर में, जो कि उनके लिए बहुत हेक्टिक होता है एज कम्पेयर टू अस, हमें ऑफिस में जाके भी काम करना होता है तो उसमें हमें इतना फिजिकल वर्क नहीं लगता, मेंटल वर्क होता है आजकल ज्यादा। तो मेरे ख्याल से पीरियड्स को लेके छुट्टी देना सही नहीं है, इक्वालिटी की बात है और साथ में हम कैपेबल है तो क्यों नहीं, हम कर सकते हैं। अभी हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हम आगे वाली जनरेशन को क्या बताएंगे कि पीरियड्स आ रहे, सो जाओ घर पे आके, काम मत करो, 5 दिन अपने खराब करो, मत पढ़ो। ऐसा तो बहुत अनफेयर है ना। हम लोगों ने अपने आपको स्ट्रांग बनाया था, हमें आगे वाली जनरेशन के लिए सोच के करना चाहिए कि उनको भी आगे स्ट्रांग बनना है। अच्छा, क्या लगता है, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका थी तो उस पर चीजें नहीं निकल कर सामने आई और कहा गया सरकार भी इस पर कोई विचार नहीं कर रही और कल स्मृति ईरानी ने स्पष्ट कर दिया, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यूथ लगातार ये कह रहा है कि जरूरत नहीं है, आपका क्या कहना है? आई समहाउ फील दैट द वे शी डिस्क्राइब्ड इट कि हम हैंडीकैप नहीं है, इट कुड हैव बीन जस्टिफाइड इन अदर वेज एज वेल। अगर वो ये कहती कि हो सकता है कि जैसे कि जॉब्स में ऐसा वो जॉब ज्यादा प्रेफरेंस देने लग जाएगी मेल्स को क्योंकि वो 4 दिन ज्यादा के काम करेंगे, तो आई थिंक अगर वो उस तरह से जस्टिफाई करती तो ज्यादा बेटर रहता। बट द वे शी डिस्क्राइब्ड इट कि हैंडीकैप नहीं है, क्योंकि बहुत लोग पीरियड पेन को दे एक्चुअली कंपेयर इट टू मोर इंटेंसिव पेन एज वेल, कि लाइक हार्ट अटैक्स भी कुछ लोग कंपेयर करते हैं एंड ईच बॉडी इज डिफरेंट, लाइक सबको अलग अलग लेवल का पेन होता है। इश्यूज होते हैं क्योंकि आप लोग कॉलेज जाते हो, दिक्कतें होती होंगी, इश्यूज होते हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, इट इज लाइक सबके लिए अलग अलग होता है, लाइक मेरा लेवल ऑफ पेन टॉलरेंस एंड किसी और का पेन टॉलरेंस बहुत डिफरेंट होएगा, ठीक है। सो लाइक मुझे पर्सनली इतना इश्यू नहीं होता है, बट आई हैव मेट अदर पीपल जिनको बहुत पेन होता है, जो सुबह आ नहीं पाते हैं या उनको काम करने में डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ऐसा एक सब्जेक्टिव व्यू नहीं, मतलब सब्जेक्टिव व्यू लेना पड़ेगा हमको इस चीज का, बिकॉज सबको अलग अलग लेवल्स का पेन होता है एंड सबके लिए इट इज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर ईच वन ऑफ अस। बहुत लोगों की ये भी राय होती है कि एक चॉइस होनी चाहिए कि पीरियड लीव होना या नहीं होना, एक चॉइस पर डिपेंड करना चाहिए, तो आप इसे कैसे देख रही हैं? आई डोंट थिंक सो पीरियड लीव होनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ये जो फीलिंग है ना एज अ वुमेन दैट यू आर स्ट्रांग इनफ टू एंड कैपेबल इनफ कि तो आप बहुत दोनों चीजों को बैलेंस करके चल रहे हो एंड ये स्ट्रांग फीलिंग ही बहुत है हमारे लिए कि दोनों चीजों को बैलेंस करके चल रहे हो एंड आई डोंट थिंक सो देयर इज अ नीड ऑफ एनी पीरियड लीव, दैट्स इट। अच्छा, कोई तो मतलब अगर हम आप लोगों के अजम्पशंस पर जाएं तो आप लोग मोटा मोटा ये कह रहे हैं कि कोई नीड नहीं है, लेकिन आपका ये कहना है कि जिस स्टेटमेंट से उस चीज को बोला गया है वो थोड़ा ऐसे बोला जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इक्वालिटी की जब बात आती है तो अगर ये लीव दी जाएगी तो कहीं ना कहीं इस पर इक्वालिटी पर सवाल उठेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, इक्वालिटी पे हम तब भी सवाल उठाते हैं कि एक औरत रात के 2 बजे उस इक्वालिटी से चल नहीं सकती है। सो बस एक कॉन्सेप्ट को इक्वालिटी पे लेके जाना कि हम उनको छुट्टी नहीं देंगे बिकॉज मेल्स मतलब उनको नहीं दे रहे, सो देर आर अ लॉट ऑफ मोर एरियाज जहाँ पे मेल प्रिविलेज वुमेन प्रिविलेज से ज्यादा होता है। अगर हम जॉब एरियाज में भी देख लें, आई थिंक देर आर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल्स इन मोस्ट कॉर्पोरेट ऑफिसेज, राइट? सो अगर आप एक चीज उठाओगे पीरियड लीव की तो आपको बाकी चीजें भी उठानी चाहिए कि जिधर मेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस या अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आपको क्या लगता है कि अगर लीव्स दी जाती हैं तो क्या ये इक्वालिटी का इशू होगा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर इक्वालिटी थी तो गॉड भी इक्वालिटी रखता हमारे अंदर। वुमेन्स के पास देखो, आफ्टर मैरिज वुमेन होती है जो कि घर एंड ऑफिस दोनों संभालती है, लेकिन बॉयज के लिए क्या होता है, वो बस अपना ऑफिस संभाल रहा होगा, कोई घर पे काम नहीं भरता। सो मतलब कि इक्वालिटी तो कहीं पे भी नहीं है। वुमेन्स मे बी फिजिकली थोड़ा सा वीक होएंगी,
और मेल्स भी काफ़ी वीक होते हैं, ऐसा नहीं कि वुमेंस ही रहती हैं, बट आजकल के जॉब्स में बेसिकली हमारी मेंटल स्टेबिलिटी देखी जाती है जो वुमेंस के पास ज़्यादा है। आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते कि एक वुमेन अपने मतलब कि अभी प्रेग्नेंट है, उस बाद उसने बेबी किया, उसके बाद वो जॉब पे जा रही है अपना, वो भी अपना 100% दे रही है उधर, तो मतलब कि आप देख सकते हैं मेंटल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। देखिए आप स्टूडेंट्स को सुन रहे हैं जो साफ तौर पर अपने एक्सपीरियंसेस भी बता रहे हैं, और उनका कहना है कि पीरियड लीव की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस स्टेटमेंट्स जो सामने आई हैं उनको थोड़ा सा चेंज किया जा सकता था, लेकिन कोई नीड नहीं है। हम वर्क करते हैं और बहुत टाइम से इसी तरीके से काम करते आए हैं, तो इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन स्टेटमेंट्स को इस तरीके से सामने लाना चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी पर बात ना